सर जी हाँ? जैसा आपकी मशीन है हाँ? आप बोल रहे हाँ? कि कहीं को चढ़ा लो कहीं को उतार लो। अरे इसके ऊपर चढ़ा के दिखा देता हूँ। नहीं इसके ऊपर कैसे चढ़ेगी भाई? इसके ऊपर बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं, प्रैक्टिकल कर। आजू बैठे चढ़ा के दिखाओ, आपको भी दिखा देते हैं। ये जेसीबी थोड़ा ना है, ये देखो भाई। ओ भाई साहब राजा भाई, ये देखो भाई राजा भाई कैसे भाग रहे हैं, और हम पीछे पीछे। ओ भाई साहब राजा भाई भाग गए। नमस्कार दोस्तों, भाइयों आज की जो वीडियो है भाई, आज की वीडियो हमारे आज राजा भाई के पास। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। नमस्कार दोस्तों। भाई जो है ना, राजा भाई किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, और भाई इनकी जो मतलब फैक्ट्री है, इन्होंने एक इतिहास रच दिया 10 महीने के अंदर। ये देखो, लोग बाग पूछते थे कि फैक्ट्री फैक्ट्री कहाँ है फैक्ट्री, ये देखो भाई ये है फैक्ट्री, ठीक है ना। आपको इसका बहुत जल्दी मतलब अंदर से भी विजिट करवाऊंगा दोस्तों, शायद नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँ, ठीक है ना। तो भाई अभी मिलते हैं राजा भाई से, जो कि इनकी फैक्ट्री दोस्तों बता दूं, ये लुधियाना मलेरकोटला रोड पे स्थित है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा सर आप ये बताओ, हाँ? 10 महीने में हाँ? आपने मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे खड़ी कर दी? अरे भाई साहब, हमारे पिताजी के आशीर्वाद से हुआ है। हमारे जो पिताजी हैं, पूजनीय पिताजी हैं, सिर्फ इनके आशीर्वाद के कारण ही हमारा ये फैक्ट्री ऐसे बन पाया। नहीं देखो, ऐसा है, जो बड़ों का सम्मान करता है देखो उनका तो सिस्टम ही अलग होता है। अरे भाई साहब, हमारे पिताजी हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो इसलिए ये सारा कार्य संभव हो पाया है जी। अच्छा अंकल जी ठीक हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो क्या कहना चाहोगे? बात यह है भाई, आज से 10 महीने पहले जी हमारे घर में कोई ऐसा कोई काला जादू कर गया जी, हमारे बेटे से राजा बेटे से जी, कोई सब कुछ छीन के ले गया। अच्छा देखिए, इसने खाली हाथ में अच्छा, काला जादू कुछ छीन के ले गया, सब छीन के ले गया इसके कोई। अच्छा जी, फिर भी इसने इतनी मेहनत के साथ, किसानों के साथ, मिलवर्तन के साथ नई फैक्ट्री चालू कर दी जी। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, ये फैक्ट्री इतनी कामयाब होगी किसान भाइयों की मेहनत से, हमारी मेहनत से, मेरे बेटे की मेहनत से। खुद इंजीनियर है, इसको इंजीनियर बनाया है, इसका बेटा डॉक्टर है, इसके पास डिग्री है। मैं तो मुझे शिक्षा दी है जी। उसी के ऊपर ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी की हर इच्छा को पूरा कर सकूँ जी। नहीं बड़ी अच्छी बात है, देखो ऐसा है, अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए जी। जी जी ठीक है, सेवा में ही मेवा है। बिल्कुल जी, ठीक है, ये कहावत भी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा तो अब ये बताओ, अरे भाई साहब ऐसा है, जिन्होंने मुझे जहाँ की धरती दिखाई है, अगर मैं उनकी सेवा ही नहीं कर पाया तो मुझे जीने का अधिकार ही नहीं है भाई। बिल्कुल, इस पृथ्वी पे रहने का अधिकार ही नहीं, इनके कारण ही मैं इस दुनिया में आया हूँ जी। जी जी बिल्कुल सही बात है। देखो भाई कितना सम्मान करते हैं राजा भाई अपने पिताजी का, ठीक है ना। तो मैं तो पूरे गर्व से कहता हूँ, ये मेरा बेटा है। राजा तो एक ही होता है, कोई महाराजा बनता है, महाराजा नहीं बनता कोई जी। जी राजा तो राजा है, राजा एक ही होता है, जो किसान भाइयों ने चुन लिया वो राजा ही है। हाँ, किसान भाइयों ने चुन लिया, बड़ी अच्छी बात है। बचपन में ही पता नहीं कैसे हुआ, बचपन में भी नाम राजा रख दिया था, और किसान भाइयों ने राजा से राजा भाई बना दिया। ये मेरे देखिए, हमारे पिताजी का आशीर्वाद और मेरे किसान भाइयों के आशीर्वाद से मुझे राजा भाई बना दिया जी। जी 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 दोस्तों, भाई आपके बहुत सवाल रहते थे, फैक्ट्री भी दिखाएंगे, तो सबसे पहले आज बात करते हैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आए। अरे भाई साहब, ये है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी। अगर मशीन गियर में भी है, स्टार्ट करनी है तो गियर निकालने की जरूरत नहीं है और स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा इसमें क्या है, अगर रिपर में जब चलेगी भाई साहब, नैनो टेक्नोलॉजी के कारण ही रिपर कामयाब है। पहले क्या था, क्लच प्लेट के ऊपर लोड पड़ता था, जब डबल क्लच नहीं होता था तो जल्दी क्लच प्लेट खराब हो जाती थी मेरे किसान भाइयों की। अब नैनो टेक्नोलॉजी के कारण कभी भी क्लच प्लेट खराब ही नहीं होगी भाई साहब, क्योंकि डबल क्लच है इसमें भाई, गारंटी है सर। अरे 101 नहीं, 5000% की गारंटी है नैनो क्लच की, डबल क्लच की, और डबल और क्लच कभी खराब नहीं होगा, इसकी जिंदगी भर की गारंटी है। अच्छा जी, तो जैसा मतलब आजकल एक सिस्टम और चल रहा सर, ऐसा है आजकल पोल्यूशन के ऊपर ध्यान दे रही सरकार। बिल्कुल। अरे भाई साहब, हमारा जो मशीन है ये टर्म 6 के अंदर ही डिजाइन किया गया है, इसको तो पहले ही ध्यान में रखा गया है भाई साहब। अच्छा जी जी जी, यानी कि जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करते हुए। बिल्कुल भाई साहब, नॉर्म्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे भाई साहब। जी जी चलो बड़ी अच्छी बात है, पर सर ज्यादा बात नहीं करेंगे। जैसा आपके पास काफी सारी अटैचमेंटे रखी, पहले तो इसके बारे में बताओ ये क्या है? ये हमने मोटरसाइकिल बना दिया है। अच्छा, अरे फार्मर भाई इसको खेत में आराम से रोटावेटर लेके जा सकता है। अच्छा, कोई भी मशीन कुछ भी इसमें अटैचमेंट चलानी है। अच्छा, वो चला सकता है। अभी पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ, अभी हमने एक नई सीड मशीन तैयार की है। अरे बेटे लेके आओ सीड मशीन को, इसका पीछे चला के दिखाओ फार्मर भाई कितनी स्पीड से चलाएगा जी। दोस्तों ये नई तरीके की सीड मशीन है, दिखाएंगे आपको। जैसा कि भाई आजकल सीजन भी है, लोग बाग भाई गेहूं की बिजाई कर रहे हैं,
गेहूं की बिजाई करेगी ना सर ये। अरे भाई साहब अकेली गेहूं की नहीं, आपने कुछ भी बीजना है, मक्का बीजना है, सरसों बीजना है, वृक्ष से वृक्ष चना बीजना है, मोटा इसमें क्या है एडजस्टमेंट दिया है यहाँ से, इसमें क्या है ये देखिए भाई साहब, ये खुल के ना यहाँ से छोटा बड़ा इसमें गरारी होती है वो छोटी बड़ी हो जाती है, ये देखिए इधर आइए, ये देखिए इसमें ना गरारी होती है, इसमें कैसे भी आप करके छोटी बड़ी कर सकते हैं। जी 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 करो स्टार्ट। सर मशीन कितने एचपी की है ये? ये भाई साहब इटालियन 7.75 इंजन के हिसाब से डिजाइन किया गया है इसको। 7.5 HP? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक ही मशीन है ये, इसके ऊपर बस जो है ना मोटरसाइकिल लगा दिया। तो सर जैसा आप ड्रिल मशीन यहाँ इस खेत में लेके आए हो, देखो ड्रिल मशीन तो जो एक सार होता है बिल्कुल उसमें चलती है, तो ये तो मतलब अभी जुताई। अरे भाई साहब हमारा टर्बो का इंजन है, नई टेक्निक का, उसमें भी चलेगा। आशु बेटे जाए चला के बताओ। ये देखो ये देखिए भाई साहब, ये है हमारी जो देखिए 7.75 मोटरसाइकिल के साथ किस तरीके से चल रहा है, और एक एक दाना गिरता हुआ जा रहा है। ये मेरे देखो फार्मर भाइयों को दिखाइए भाई साहब, ये देखो ये देखिए भाई साहब, ये डेमो के लिए आपको दिखाई जा रही है। देखो ये देखो, आप पहले ये चेक करो कैसे दाना 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 कैसे डालते हुए जा रही है। ये देखो भाई चेक करो आप भी, इधर भी दिखाओ भाई, बिल्कुल बिल्कुल इस लाइन में भी दिखाओ, तीनों लाइन में बराबर दाने पड़े हुए हैं। अब दोस्तों ये देख लो आप, चेक करो ये देखो, ये देखो खोलना सर इसको, ये ले बंद कर दे भाई, ये लो सर। इसमें जो बीज है वो कितना आ जाता है इसमें भाई साहब? इसमें तकरीबन 20 केजी के आसपास आ जाता है। 20 केजी? और जो ये गरारी है ना, ये प्लास्टिक की गरारी है जी, आपने अगर बड़ा दाना डालना है चेंज हो जाती है यहाँ। अच्छा पे ये गरारी चेंज, अगर छोटा डालना है तो और चेंज हो जाएगा, अगर बड़ा जैसे मोटा, आप इससे आलू की भी बिजाई कर सकते हैं। ये देखिए ये कितना मोटा है, ये आलू भी इससे बीजा जा सकता है भाई साहब। अच्छा इस तरीके से इसको डिजाइन किया है भाई साहब। जी जी जी, यानी कि एक तीर से बहुत सारे शिकार, मतलब कि सारे निशाने लगा सकते हैं भाई साहब। बिल्कुल पहला ऐसा है सीडर मशीन है जिससे आप एक बिंदी मतलब सरसों से लेके आलू तक की बिजाई कर सकते हैं। ये हमारा मल्टीपर्पज सीड मशीन है भाई। जी जी जी, देख लो दोस्तों। और भाई जो इसमें कम और ज्यादा करने का, ये देखो भाई कितना अच्छा सिस्टम है। ये देखो यहाँ से इसको नीचे कर दो कम हो जाएगा, ऊपर कर दो तो ज्यादा हो जाएगा। ये यहाँ से बंद हो गया ना अब सर? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है सब 7, 6, 5 मतलब इसी तरह से कितने कितने दाने निकालने हैं। हाँ। उतने ही दाने ये निकालता जाएगा। जी जी, आप जी। उस तरीके से फार्मर भाई एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों भाई, पहले तो एक मशीन से कई शिकार, और फिर भाई पीछे इसके सीड मशीन, भाई साहब 50 कार्य होने वाले हैं जो हमारे 8777 से। हाँ। अभी मैं इसको, ये देखे कितनी हार्ड जमीन है, इसके ऊपर बैठ के कल्टीवेटर कैसे चलेगा वो चला के दिखाऊंगा जी। अच्छा जी सर, रेट तो ज्यादा नहीं है? हमेशा आप बेटे रेट मत पूछा करें, दिवाली आने वाली है, दीपावली का त्यौहार, सभी ने खुशियां मनानी है, इसलिए रेट भी बहुत हम सोच समझ के ही देंगे, रेट की चिंता ना करिए। जी जी जी, बेटे कल्टीवेटर लगाओ सर जी। हाँ जैसा आपकी मशीन है। हाँ आप बोल रहे। हाँ कि कहीं को चढ़ा लो कहीं को उतार लो। अरे इसके ऊपर चढ़ा के दिखा देता हूँ। नहीं इसके ऊपर कैसे चढ़ेगी भाई? इसके ऊपर भी चढ़ा के दिखा दूंगा। इसके ऊपर? बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे क्या मजाक है, मजाक नहीं प्रैक्टिकल कर। आजू बेटे चढ़ा के दिखाओ, आपको भी दिखा देते हैं। ये JCB दौड़ाई ना है। ये देखो भाई, ओ भाई साहब खतरों का खिलाड़ी। कमाल कर दिए भाई, ठीक है हद हो गई भाई, लोड नहीं मान रही है एक आदमी इसके ऊपर खड़ा। अरे भाई साहब ये हमारी 8777 की नैनो टेक्नोलॉजी है, फार्मर भाई बैठ के आराम से मेढा लगाना है तो आराम से लगा सकते हैं, कोई भी लोड नहीं लेगी भाई साहब, यही हमारी टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है भाई साहब। अच्छा ये देखो भाई, अरे भाई साहब ये डबल क्लच का ही कार्य है जो इस तरीके से चल रहा है भाई साहब। एक सार करती चल रही, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर फार्मर भाई ये घर पे फट्टे का भी लकड़ का भी बनाना चाहते हैं तो लकड़ का भी बन सकता है भाई साहब। जी जी, यानी कि आपको मेढ़ा बेचना नहीं है? अरे भाई साहब देखिए, बहने जरूरत तो नहीं है, फार्मर भाई अगर दो पैसे बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं भाई साहब। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी। ये देखो भाई, ये सर बेड मेकर लगा दिया इसके पीछे। अरे भाई साहब ये एडजस्टेबल है, फार्मर भाई इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आशु बेटे जरा रुको, अरे रुकिए 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 भाई साहब, बिना भी कर सकते हैं फार्मर भाई, अगर बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं, अगर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं भाई साहब। जी
यानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और बैठे बैठे ही चल जाएगा। कोई भी इसमें कोई देखे कितनी स्पीड से चल रहा है भाई साहब, जैसे मुझे नहीं लगता कि ट्रैक्टर भी इतनी स्पीड से कार्य कर पाएगा भाई साहब। जी जी जी, ये देखो भाई। तो सर हाँ, क्या लगा दिया आप रोटावेटर? अभी भाई साहब रोटावेटर लगा दिया है जो कि इसका बहुत अहम रोल है। अच्छा, कितनी खपतवार हुई हुई है, पूरी हार्ड मिट्टी है, इस खपतवार को जी जमीन में ही मिक्स करना होता है। जरा बेटे दिखाओ इसकी। एक मिनट फुल साहब, फुल ये आरपीएम उसके पूरे करना, पूरे है ये, आवाज बहुत कम है। अरे भाई साहब साइलेंट है, टर्बो की टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसके बिल्कुल साइलेंट है भाई साहब। जी ये देखो ऐसे ही चलेगी सर ये? अरे भाई साहब अभी इससे भी फास्ट चलेगी, अभी जो मशीन है पहले गियर में चल रही है जी। और इससे अभी तो ऐसे करना, अब इसका दूसरा गियर लगाना, दूसरे गियर में कभी लोड मान जाए। अरे नहीं लोड, ये देखिए अभी दूसरे गियर में चल गई, पूरा खपतवार को भी दूसरे गियर में कर देंगे भाई, जितना भी खपतवार होगा पूरा नाश कर देंगे। ये देखिए यही हमारी A777 नैनो की टेक्नोलॉजी है भाई साहब। सर ये बात तो ठीक है, इधर आ जाओ आप। हाँ जी भाई साहब। चलो मान लिया ताकत भी है, हाँ ठीक है, काम भी अच्छा करती है, पर आप ये इतनी कॉस्ट कटिंग क्यों करने लगे हो? क्या कॉस्ट कटिंग की है भाई साहब, इतने तो फीचर दे दिए भाई साहब। फीचर तो दे दिए, देखो मिट्टी कैसे ऊपर आ रही है। अरे भाई साहब उसके लिए हमने वो कवर इसका तार के रखा है, ये देखिए भाई साहब इसका कवर इसके ऊपर लगेगा, ये तो हम ये दिखा रहे हैं कि उसमें ब्लेड कार्य करते हैं, ये उसके ऊपर कवर करेगा। इसका अगर छोटा चलाना है ये छोटा कवर हो जाएगा, अगर बड़ा करना है तो इसके ये बड़े ये हो जाएंगे भाई साहब। अच्छा ये हटाए हुए हैं आप? बिल्कुल हटाए हुए हैं भाई साहब। अच्छा, मैंने कहा आप बिल्कुल ही हटा दिया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसके ऊपर लग के जाएंगे भाई साहब। अच्छा अच्छा सर, वो हैंडल के ऊपर जो लगा है वो पाइप सा, वो क्या है? अरे भाई साहब उसको एलिफेंट फिल्टर बोलते हैं, अगर मिट्टी उड़ रही है, अगर नीचे एयर क्लीनर रहेगा तो मिट्टी अंदर जल्दी चली जाएगी। अच्छा, अगर फिल्टर ऊपर होगा तो भाई साहब कभी भी मिट्टी ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, और ये इधर क्या है सर इसके बगल में? कौन सा भाई साहब? ये देखो ये क्या है, ये व्हाइट व्हाइट सा नीचे? अरे भाई साहब ये भी एयर क्लीनर ही है, इसमें हमने तीन एयर क्लीनर लगाए हैं, एक यहाँ पे एयर क्लीनर लगाया है भाई साहब। अच्छा, ये देखिए एक ऊपर से सांस आ। अच्छा, ये भी फिल्टर ही है? बिल्कुल ये भी फिल्टर है भाई साहब। अच्छा, ये यहाँ लग जाता है ऐसे? जी, यानी कि ये थ्री स्टेज कर दिया आपने? थ्री स्टेज कर दिया भाई साहब इसको। जी जी जी, एक यहाँ पे है? बिल्कुल, एक यहाँ पे भी है भाई साहब। अच्छा, एक इसके अंदर भी वो है? भी आपको दिखा देते हैं भाई साहब। सर इतने फिल्टर क्यों लगा दिए? अरे भाई साहब मैंने देखे, फार्मर ने ना एक बार पैसा लगाना होता है, फार्मर चाहता है कि 10-15 साल मशीन चले, तो भाई साहब इसलिए उसमें प्रॉपर हमने ये यूज किया। ये देखिए भाई साहब एक यहाँ पे भी फिल्टर है। अच्छा, ये दिखाइए भाई साहब। सर ये बात तो ठीक है, ये इतने फिल्टर, एक मेरे हाथ में, ये दो, एक वो भाई ले रहा है, तीन। जी ठीक है, इतने फिल्टरों में फिर मशीन लोड नहीं लेगी? अरे भाई साहब लोड क्यों लेगी भाई साहब, तीन सांस कम से हवा जा रही है, टर्बो का इंजन है, इसीलिए तो इसको टर्बो बनाया गया है भाई साहब। अच्छा, ताकि प्रॉपर इसमें हवा जाए और 10-12 घंटे लगातार चले, जितना 10-12 घंटे पहले 15 मिनट में गर्म हो गया उतना ही 10-12 घंटे तक ये मशीन गर्म रहेगी, यानी कि बिल्कुल ही क्लीन एयर जाएगी। बिल्कुल क्लीन एयर जाएगी भाई साहब। अच्छा सर, आपकी मशीन की पहचान क्या है? अरे भाई साहब पहचान क्या, ये देखो हमारी फोटो लगी हुई है यहाँ पे भाई साहब। फोटो तो ठीक है, कोई ठोस सबूत भी है? ये देखिए भाई साहब, जो हमारी आर्ट्री यहाँ पे नेम प्लेट रहेगा, RBW हमारा ब्रांड रहेगा, जो कि 245 सीसी के अंदर है, और इसकी जो डेप्थ है 120 mm है, और जो इसकी विड्थ है 1200 mm है भाई सर। ये भी चिट लगी हुई है, कोई खुदा हुआ नहीं है क्या? बिल्कुल ढलाई में होता है भाई साहब। ये देखिए जो हमारा ब्रांड नेम है RBW, यहाँ पे भी एम्बोज होगा भाई साहब, इंजन के ऊपर भी एम्बोज होगा और मंगराड़ के ऊपर भी एम्बोज होगा भाई साहब। RBW जी भाई साहब, हर जगह पे हर पार्ट के ऊपर एम्बोज होगा भाई साहब। अच्छा, बिना एम्बोज के तो मशीन लेना ही नहीं चाहिए भाई साहब। अच्छा जी ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, हाँ? जैसा आपने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया जी, ये देखो भाई। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान की और हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। नहीं अब ये बताओ, हाँ? किसानों को क्या स्पेशल मिलेगा, जैसा मतलब त्योहार भी है? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में आप क्या स्पेशल लेके आ रहे हो? अरे भाई साहब स्पेशल बहुत कुछ देने वाला हूँ, अभी इसका जो देखिए फार्मिंग आलू लगने हैं, उसके लिए फार्मर भाइयों ने बेड बनाने हैं और उसमें मिट्टी लगाना है, वो कैसे मिट्टी लगाएगा वो आपको लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, अटैचमेंट क्या क्या चला सकते हैं सर इसके ऊपर? अरे भाई साहब इससे आप 50 तक की अटैचमेंटें चला सकते हैं, 50 किस्म की अटैचमेंट है भाई साहब। और इसमें आपको बेड कैसे बनाने हैं आलू के लिए और उसमें मिट्टी कैसे लगानी है वो लगा के दिखाता हूँ अब। जी जी सर। जी भाई साहब, इससे क्या होता है? अरे भाई साहब ये किचन है, ये क्या होता है, अभी बेड बनाने का कार्य कर रहा है, अगर इसी को उल्टा कर देंगे यही टीचर मिट्टी लगाने का काम कर देगा भाई साहब। अच्छा, कई फार्मर भाइयों ने आलू लगाने तो इस तरीके
भाई बेड बना सकते हैं भाई साहब। अच्छा, अगर आलू लगाने हैं तो? अगर आलू लगाने हैं या कोई भी सब्जी लगानी है, लाइनदार फसल लगानी है, तो इस तरीके से ये बेड फार्मर भाई बना सकता है भाई साहब। जी जी सर। हाँ एक बात बोलूं? बोलिए। मजा नहीं आ रहा। क्यों, क्या हो गया भाई साहब? ये देखो बढ़िया तो है, देखो ये देखो लाइन सी क्या है इसके ऊपर। अरे भाई साहब ऐसा है, अगर इसी के पीछे बेड मेकर लगा देंगे तो ये प्रॉपर शेप देने लग जाएगा। अरे रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। अरे बेड मेकर लगाओ इसके पीछे। चलो भाई देखते हैं बेड मेकर भी लगा के। ये लाइन सी में सर मजा नहीं आता। अरे अभी आपका बेड मेकर लगा के देंगे, जैसे ही आप शेप बोलेंगे वैसे ही आएगी भाई साहब। जी जी अभी देखते हैं। ये देखो भाई पीछे बेड मेकर लगा के अब लाइन से छुटकारा मिल गया, अब नहीं है लाइन। अरे भाई साहब ये देखिए, इसी के पीछे हमने बेड मेकर लगा दिया है, ये अब प्रॉपर शेप देने का कार्य करने लग गया है भाई साहब। जी जी ये देखो भाई, अभी इसको हम डिचर को उल्टा कर देंगे, ये ही मिट्टी लगाने का काम करने लग जाएगा भाई। अच्छा ये मिट्टी भी लगा देगा? अरे बेटे उल्टा करो, मिट्टी लगा के देखो। दोस्तों जो अटैचमेंट है डिचर, इसको उल्टा कर दिया गया है। अब ये देखो भाई कैसे मिट्टी लगाएगा। ये देखो भाई साइडों में आने लगी मिट्टी। यही डिचर है भाई साहब, अभी इसको उल्टा कर दिया है, यही मिट्टी लगाने का कार्य कर रहा है। अगर किसान भाई ने कहीं भी जैसे हल्दी में मिट्टी लगाना है या गन्ने में मिट्टी लगाना है, जो जो 3-3.5 फीट में मिट्टी लगाना है, तो ये डिचर बहुत अच्छा कार्य करेगा भाई साहब। ये देखो भाई शानदार, और भाई मशीन भी जानदार, आरपीएम बिल्कुल ड्रॉप नहीं करती। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। अरे करेगी कैसे, नई टेक्नोलॉजी है, सभी फार्मर भाइयों को नई नैनो टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए ये आरपीएम ड्रॉप ही नहीं कर पाएगी भाई साहब, क्योंकि इसमें डबल क्लच का उपयोग किया गया है भाई साहब। बिल्कुल। ये देखो भाई, ये देखो भाई कैसे जो है ना खाली बना दी इसने। ये देखो साइड में मिट्टी लगा दी इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो अटैचमेंट है इसके ऊपर 40 से कितनी लग जाती है सर? अरे 50 किस्म की अटैचमेंट लग जाती है भाई साहब। 50 किस्म? बिल्कुल जी बिल्कुल, यानी अलग अलग हम 50 तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। चलो दोस्तों ये देखो भाई एक ही मशीन है सारी, R777। इसके ऊपर मोटरसाइकिल लगी है, इसके ऊपर रिपर लगा है, और भाई वो दोनों मशीन ऐसी खड़ी है जैसी कंपनी से बिल्कुल न्यू आती है। अच्छा सर अब बात आ जाओ मेन मुद्दे पे। मैंने मुद्दे का तो पता होगा आपको। देखिए आप प्राइस पूछना चाहते हैं। हाँ। जो इसका जो R777 जी, सुनो। हाँ। सुनो जल्दी ना करो सर। हाँ। मेरी बात पहले पूरी हो जाने दो। हाँ, हाँ, हाँ। आज ना छाती के बटन खोल दो। अरे भाई साहब सब कुछ खोल देंगे, रुक तो जाइए बेटे जी। जो हमारा जो R777 नैनो टेक्नोलॉजी के साथ आया है, इसका जो प्राइस है 76,000 है, 20,000 की सब्सिडी काट के हम 56,000 की देंगे। इसके साथ ये दो रेडियल के टायर, साथ में ये फ्रंट व्हील, साथ में ये 32 ब्लेड की रोटरी और ये दो डिस्क ब्लॉक में, इसके साथ ये वाला अगर बेड मेकर चाहते हैं ये बेड मेकर फ्री दे देंगे। अगर फार्मर भाई के लोहे के व्हील चाहते हैं या तो वो ले लें या ये फ्री दे देंगे। अगर फार्मर भाई ये वाला बेड मेकर चाहते हैं तो ये वाला फ्री दे देंगे। गुस्से में तो नहीं फेंक रहे सर? गुस्से में फेंक नहीं रहा। अगर फार्मर भाई को ये डबल प्लाव या कल्टीवेटर चाहिए ये दोनों जे फ्री दे देंगे। अगर फार्मर भाई को ये साइड प्लाव और ये लेबर चाहिए जे फ्री दे देंगे। अगर फार्मर भाई को ये डिचर चाहिए तो ये डिचर फ्री देंगे। जो जो मैंने फेंका है इनमें से कोई भी अटैचमेंट सिलेक्ट कर सकता है। अच्छा कोई भी अटैचमेंट फ्री? जो मैंने अपने हाथ में पकड़ के दिखाया एक बार में, उनमें से कोई भी अटैचमेंट फार्मर भाई फ्री ले सकता है। जो मैं फेंक रहा था, जैसे ये मैंने ये दोनों चीजें फेंक दी, इन ये दो फ्री ले सकता है। डिक्चर चाहिए या उसकी जगह पे वो ले सकता है। अगर वो नहीं चाहिए, ये बेड मेकर चाहिए, उसकी जगह पे फार्मर भाई ये ले सकता है। तो भाई ये ऑफर है ना कंपनी में पहली बार निकाला है कि भाई अगर ये अटैचमेंट जो इसके साथ आती है, जैसे कि भाई ये लेवलर आता है, ये कल्टीवेटर आता है, ये सिंगल प्लाव आता है, ठीक है, और ये रोटावेटर आता है। पहले क्या था, इन चारों में से हम दो अटैचमेंट देते थे। अब फार्मर भाई को जो मैंने दिखाया हाथ में पकड़ के एक बार में पकड़ के, उनमें से कोई भी फार्मर भाई सिलेक्ट कर सकता है। कोई भी कर सकता है? जी 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 जी। अच्छा चलो ये तो होगी, आपने बड़ी अच्छी बात है, मतलब कोई भी किसान के लिए छूट कर दी जी, ठीक है। अब और छूट कर दो थोड़ी सी। अरे भाई साहब हमने कभी किसी को निराश नहीं किया, जो भी हमें आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज देगा उसको हम स्पेशल 2,000 का डिस्काउंट दे देंगे। ये मशीन 54,000 की देंगे नैनो टेक्नोलॉजी डबल क्लच में। 54,000 रुपए में दोस्तों आप ये मशीन खरीद सकते हैं। किसी फार्मर भाई ने हमारा ये मोटरसाइकिल वाला अटैचमेंट लेना है जो आगे लगा हुआ है,
इसका फार्मर भाई को मात्र 15,000 रुपया अलग से देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल का 15,000 देना पड़ेगा दोस्तों, रिपर का क्या देना पड़ेगा सर? रिपर लेना है तो उसका जो कीमत है मात्र 45,000 रुपया है जी। अच्छा, रिपर का 45,000 है, और जो ये अटैचमेंट ले उसका मतलब आप जो उसका पीडीएफ फाइल फार्मर भाई को भेज देंगे, फार्मर भाई सिलेक्ट कर सकता है। सर जी लगे तो एक चीज और बता दो, बताइए एक बार इसका मंगाने का तरीका और बता दो। मैं किसान हूँ, फार्मर भाई वो सामने हमारी नई कंपनी है, फार्मर भाई यहाँ पे आ सकते हैं, और ये यहाँ पे मेन जो हाईवे जा रहा है यहाँ पे इसका मुख्य रास्ता है। अरे सर कहाँ जा लिया, अरे सर कहाँ भाग लिए, अरे रुको तो, ओ भाई साहब राजा भाई ये देखो भाई, राजा भाई कैसे भाग रहे, अरे हम पीछे पीछे, ओ भाई साहब राजा भाई भाग गए, अरे रुको राजा भाई, अरे भाग लिए, ये देखो भाई राजा भाई को पकड़ेंगे, राजा भाई अरे रुको तो, अरे बहुत तेज भाग रहे राजा भाई। हाँ जी राजा भाई, यहाँ से भाई साहब ये लुधियाना मलेरकोटला का हाईवे है। अरे भागे क्यों हो, यहाँ पे हम फार्मर भाई विजिट कर सकते हैं, जो फार्मर भाई ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं उनको कंपनी का करंट अकाउंट भेज देंगे, उन्होंने मात्र 2,000 डलवाना है और एड्रेस भेज देना है, मशीन डिस्पैच कर देंगे, जब मशीन उनके राज्य में पहुंच गया तब बाकी का पैसा कंपनी के अकाउंट में डलवा देना है, मशीन की डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा तो आप इसलिए आए यहाँ पे रोड दिखाने आए? मेन रोड जो हाईवे है इधर लुधियाना है जी, इधर मलेरकोटला यहाँ पे ही हमारी फैक्ट्री है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी है फैक्ट्री की। ये सारी कंपनी की ही जगह है जी। जी जी बिल्कुल कंपनी की ही जगह, क्योंकि काम चल रहा है भाई बहुत तेजी से, ये देखो भाई ठीक है। तो सर जी मैंने सोचा आप पता नहीं क्यों भाग लिए। मैंने तो एड्रेस बताने के लिए यहाँ पे आया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो दोस्तों भाई यही था वीडियो, अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान जय किसान।